अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं समरीन। हाईटेक उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल करती हूं। नजर डालते हैं सुर्खियों पर। टाइम मैगजीन के कवर पेज पर मोदी के खिलाफ लिखने पर बीजेपी लीडर ने किया बरहमी का इजहार। कई दिन पहले हुए कत्ल के कातियों को साउथ जोन टास्क फोर्स ने निकाला ढूंढकर। और जहांगीर नगर इलाके में ट्रांसफार्मर के ब्लास्ट होने से लगी भयानक आग। अब खबरें तफसील से। टाइम मैगजीन के कवर पेज पर मोदी के खिलाफ लिखे जाने पर बीजेपी के रियासती तर्जुमान अंगुला राकेश रेड्डी ने सख्त बरहमी का इजहार किया और कहा कि अवाम के चाहने वाले लीडर के खिलाफ ऐसे कैसे लिखा जा सकता है। जो टाइम मैगजीन है वो उसका कवर पेज में मोदी द डिवाइडर इन चीफ करके एक कवर स्टोरी पब्लिश किया है, वो लेके कांग्रेस पार्टी जो मोदी के बारे में क्रिटिसिज्म करे हम स्ट्रांगली कंडेम कर रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का लीडरशिप के बारे में टाइम मैगजीन का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। 100 करोड़ भारतीयों एक इलेक्टोरल प्रोसेस से उनको चुनाया है, अभी ये पहले बार नहीं है। उसके पहले गुजरात में 3 बार लोगों ने चुना है। वैसे लीडर के ऊपर अगर एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट एक अमेरिकन मैगजीन के ऊपर एक कवर पेज लिखता है, वो कांग्रेस पार्टी लेके हमको क्रिटिसाइज करते हैं क्या? ये मैच्योर्ड पॉलिटिक्स बोलता है क्या? यही टाइम मैगजीन 2015 में बराक ओबामा के लेटर पब्लिश किया है, उसमें क्लियरली बोला है कि नरेंद्र मोदी इज द रिफॉर्मर इन चीफ। 2018 में यूएन सेक्रेटरी जनरल का लेटर भी पब्लिश किया, वो बोला है कि मोदी का लीडरशिप में इंडिया में कम्युनल हार्मनी है। ये सब पता है आपको। पहाड़ी शरीफ इलाके में मई की पहली तारीख को एक नामालूम शख्स की लाश दस्तियाब हुई थी, जिसकी तहकीकात साउथ जोन टास्क फोर्स कर रही थी, तो पता चला कि एक टोली ने मिलकर उस शख्स का कत्ल किया था। कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार ने प्रेस मीट से खिताब करते हुए केस की तफसीलात से वाकिफ करवाया। एक अननोन डेड बॉडी May 1, 2019 को मिला। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक सिम्टम्स ऑफ मर्डर उस डेड बॉडी से दिख रहा था, जिसमें मल्टीपल स्टैब इंजरी नेक एरिया में काफी विजिबल था। हमारे साउथ जोन टास्क फोर्स के तरफ से स्पेशल इंपॉर्टेंस इस केस को दिया गया, चूंकि ये पहाड़ी शरीफ का एरिया हमारे साउथ जोन के बॉर्डरिंग एरिया में है, और साइंटिफिक एनालिसिस, साइंटिफिक कलेक्शन ऑफ एविडेंस, एग्जामिनेशन ऑफ पर्संस, कॉल डेटा एनालिसिस, वीडियो फुटेज एनालिसिस, ये सब करने से बहुत कुछ पता चला, जिसमें कि सबसे पहले तो चंदानगर गोपनपल्ली एरिया साइबराबाद से एक मिसिंग पर्सन का डिटेल हुआ। उसके बाद राजेंद्र नगर में एक आर्सन का केस रिपोर्ट हुआ, जिसमें एक ऑटो के बर्निंग का केस रिपोर्ट हुआ था। ये सब एविडेंस को लिंक करने में, एक दूसरे से जोड़ने में लगभग 48 किलोमीटर का वीडियो फुटेज कलेक्ट किया गया, और ये वीडियो फुटेज लगभग 4 दिनों का वीडियो फुटेज 48 किलोमीटर्स में टोटल 5 टेराबाइट उससे ज्यादा का डेटा था, जिसको कि साइंटिफिकली एनालाइज किया गया हमारे टास्क फोर्स साउथ जोन के तरफ से। तो उसके बाद पता चला कि ये सब इंटरलिंक्ड इश्यूज हैं। जहांगीर नगर इलाके में आज फजर की नमाज के वक्त ट्रांसफार्मर के ब्लास्ट होने से पूरा इलाके की बिजली चली गई और भयानक आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि इसकी चपेट में 4 एक्टिवा मोटर गाड़ियों और एक घर आ गया। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की लापरवाही की वजह से यह हादसा पेश आया। पूरी गाड़ी चल गई, बोला गाड़ी के ऊपर
नदीम कॉलोनी में हुए वाक़े जिसमें नदीम कॉलोनी के एमएम कॉरपोरेटर जावेद रब्बानी ने छोटी सी बात पर अपने साथियों के साथ नौजवानों पर हमला किया। इस पर कौसर मोइनुद्दीन ने अपना बयान पेश किया। वाज़ह रहे कि एक छोटी सी बात पार्किंग को लेकर जावेद रब्बानी ने अपने साथियों के साथ मिलकर तीन नौजवानों पर तेज धार हथियारों से हमला कर दिया, जिससे वो शदीद तौर पर जख्मी हो गए, जिन्हें इस्पानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ वो ज़ेर इलाज है। कौसर मोइनुद्दीन ने उस्मानिया अस्पताल पहुंचकर उनके हालात का जायजा लिया। कौसर मोइनुद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर जावेद रब्बानी को फौरी जमात से निकाल दिया जाएगा। सोचिए नाजरीन, जमात अपने ही पार्टी के लीडर्स को किसी पर जुल्म करने की इजाज़त नहीं देती, तो आम आदमी को किसी पर जुल्म करने की इजाज़त कैसे दे सकती है। ये करारा जवाब है उन लोगों के लिए जो बेवजह मजलिस को बदनाम करने की साजिशें रचती रहती हैं। नदीम कॉलोनी के अंदर कल रात में जो वाक़या हुआ था, वो आपसी पार्किंग की जगह पर और पड़ोस और जो हमारे टोली चुकी नदीम कॉलोनी के इब्तदाई के सदर जनाब जावेद साहब और उनके भाइयों के साथ में रात में झड़प हुई थी, और उस दरमियान में किसी को ज़ख्मी हुआ था और उसके बाद MLC भी कराया गया था। फिर रात में मैं खुद बताकर कॉम्प्रोमाइज करने दोनों पार्टी मिलकर उसके बाद घर को आ गए 12-1 बजे के दरमियान में। फिर आज मुझको जुमा की नमाज़ के बाद मस्जिद के अंदर बैठकर मैं और नदीम कॉलोनी के जो ज़िम्मेदार है हफीज़ साहब, हुमायूं यार खान साहब और हमारी मस्जिद कमेटी के जो ज़िम्मेदार थे मस्जिद हबीबा के, और वहाँ पर बैठ कर उन तमाम को समझाए, जिसके बाद वहाँ से निकल कर चले गए। फिर आज जो इफ्तार के बाद में छोटी सर की जो पार्किंग और जो उनकी गेट के पास में पड़ोसी है, उसके बाद फिर झड़प हुई, मारम पीटी शुरू हुई, और जिसके बाद फिर ये वाक़या बढ़ गया। जिसके बाद सदर मोहतरम को दिन में इत्तला मिली थी, सदर मोहतरम ने मुझको फ़ोन पर बताया था कि उन दोनों को समझाकर वो कह, तो मैं सदर मोहतरम को तफसीलात बताया, मस्जिद में बैठ कर कॉम्प्रोमाइज करा कर लिखा रखा। मगर ये दो पार्टी फिर उसके बाद जो आज शाम में जवाद और उनके तमाम साथी मिलकर फिर इन तमाम नौजवानों के ऊपर अटैक किए, जिसके अंदर रहमान, दानिश, तौहीद, इन तीन लोग ज़ख्मी हुए और उस्मानिया हॉस्पिटल को लेकर आए, और जिसके अंदर रहमान को सर्जरी हुई, उसके बाद उसको AMC वार्ड के अंदर एडमिट किया गया, और दो पेशेंट्स को, दानिश को और तौहीद को आउट पेशेंट की तरह उनको डिस्चार्ज किया गया। आज़म भाई बोल के उनके बच्चों के साथ कुछ झगड़ा हुआ, वहाँ पार्किंग का मसला था। क्या मसला है, गली डेड एंड है, वहाँ तीन मकान है, ये लोग क्या कर रहे हैं, वो पूरी गली को जो है जाम करके रख रहे हैं पार्किंग से, ना आने दे रहे हैं ना जाने दे रहे हैं। कोई घर से ख़वातीन भी निकल रहे हैं तो उनको घूरना ये हरकत थी। कल जो है ख़ास तौर से बिल्कुल रास्ता गाड़ियाँ आड़े रख दे के फिर रास्ता बंद कर दिए, रास्ता बंद करके जो है वो करे, तो वहाँ फिर हम लोग जो है समझा के मना के रास्ता खुला के कॉम्प्रोमाइज़ कर, फिर उसके बावजूद जो है एक आधे घंटे के बाद फिर रास्ता बंद कर दिया, उसके बावजूद भी जो है समझाए मनाए खुला दिए, तीसरी दफ़ा जो है अचानक अटैक कर दिए मेरे दोस्त के बच्चों के ऊपर। वो लोग दोनों ही हैं, 50-60 आदमी मिल गए, तकरीबन लोग आ रहे हैं, क्या हुआ देखने के वास्ते, तो वो लोगों को अलग मारपीट शुरू कर दी, ये दादागिरी। उसके बाद जो है PS गए, PS में जाके जो है बातचीत करें, PS में बिठाए, दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ कराए, समझाए मनाए, भिजा दिए। अब उसके बाद आज 2 बजे से MLA साहब आए मस्जिद में, खास तौर से कॉम्प्रोमाइज़ क्यों आए, नमाज जुमा के बाद मस्जिद में बैठ के समझाए करें। उसी दौरान में जो है उठ के जो है नहीं उनको तो देखना है, फलाना करना है, विस्ताना करना है, जबकि इस झगड़े से मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं। मैं उस गली में जो है किराए से हूँ, आगे मेरा मस्जिद के सामने मकान बन रहा, अब वो मेरे मकानदारनी को बेचारी औरत अकेली रहती दो बच्चों के साथ, उसको जो है धमकी दे रहे हैं 8 दिन के अंदर ये लोगों से घर खाली करा देना, वरना 9वां दिन जो है तेरा बुरा हशर होगा। औरत को बता रहे हैं, उसका शोहर जो है करीम नगर में वहाँ जो है काम करता। अब वो होने के बाद ठीक, फिर क्या करा मैं, इनके जो है जावेद को फ़ोन करा, कुछ बात करना है, इफ्तार के बाद बात करेंगे, तो ठीक है बोल के जो है ये बात करें। वहाँ अंदर क्या प्री प्लान जो है वो लोगों की तैयारी चल रही थी नहीं मालूम है,
अब आते हुए साथ ही जो है इफ्तार करके मैं घर को जा रहा हूँ। अब हसब माल अड़ोस पड़ोसी है, सलाम करा मैं, सलाम वालेकुम। अरे आइंदा से तू सलाम नहीं करना, समझ रहा ना, ये गली में नहीं दिखना और घर खाली कर देना। तू है कौन रे यहाँ पे, फलाना बिस्ताना जो है अहल फहल गलियाँ दी थी। नाम बोलो उसका, नाम बोलो। उसका नाम जवाद है, जवाद जवाद है। उसके कुछ दो चार दोस्त हैं और वो लोग हैं और भाया हैं उनके, जलील जावेद इरफान, ये पाँच छः भाया हैं, उनके बच्चे हैं 50-60 घर पूरी फैमिली मेंबर गुंडा है। उसके बाद नाजरीन अब वक्त हो चुका है मुख्तसर से वक्फे का। हाईटेक फर्निशिंग वर्ल्ड, वर्टिकल ब्लाइंड्स, फर्निशिंग ब्लाइंड्स, रोलर ब्लाइंड्स, इंटीरियर ब्लाइंड्स, ऑफिस ब्लाइंड्स, ऑल काइंड ऑफ ब्लाइंड्स अवेलेबल हियर। सर्विसेज एट योर डोरस्टेप। स्टोर एड्रेस मेहदीपट्टनम तालागड्डा हैदराबाद। प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर 9700647474। वेब्रो मॉडल स्कूल रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना स्टेट। एडमिशन फ्री फॉर ऑल क्लासेस, बैग फ्री फॉर नर्सरी क्लास। एड्रेस झिरा आसिफ नगर हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 0402353-0218। मोबाइल नंबर 9700304000। अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतरीन बनाने के लिए विब्रो मॉडल स्कूल में एडमिशन्स करवाएं और उन्हें एक कामयाब इंसान बनाएं। विब्रो मॉडल स्कूल रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना स्टेट। मक्का मुकर्रमा में मुकीम अलहाज मोहम्मद सिराज साहब की 38 साल तजुर्बा और उन्हीं की रहनुमाई में अलमीना टूर्स एंड ट्रैवल्स मल्लेपल्ली। आपका भरोसा और यकीन ही अलमीना की कामयाबी है। आपके एतमाद ही की वजह से हर माह दो उम्रा ग्रुप्स रवाना होते हैं। डायरेक्ट फ्लाइट, मुकम्मल रहनुमाई, हैदराबादी तर्ज का पकवान, करीब तरीन रिहायश, एसी ट्रांसपोर्ट, मुकद्दस मकामात की जियारत। रमजानुल मुबारक तक के लिए उम्रा बुकिंग जारी है। मुलाकात करें अलमीना अपोजिट ग्लोरी थिएटर मल्लेपल्ली हैदराबाद। वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मक्का मस्जिद में नमाज तरावी के इंतजामात कमिश्नर ऑफ पुलिस अंजनी कुमार व साउथ जोन डीसीपी अंबर किशोर झा और दीगर ने मिलकर जायजा लिया। कांग्रेसी लीडर उज्मा शाकिर ने शाहीन नगर जलपल्ली का दौरा करते हुए वहां के आबी मसाइल और दीगर का जायजा लिया और उन्होंने अपील की है कि जल्द से जल्द इन मसाइल पर नज़र डालें और उन्हें हल करें। जलपल्ली म्यूनसिपल कमिश्नर से मिले, उनके पास हम लोगों की शिकायतें लेके गए थे। मैं हाल ही में दौरा करी थी शाहीन नगर का, पहाड़ी शरीफ का और कई इलाकों का, जहाँ पर मैंने देखा कि मेरे भाई बहनों की जो तकलीफ़ें हैं, पानी की तकलीफ़ है, लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, खारा पानी नहीं है, बिजली की बहुत तकलीफ़ है, कहीं पे पोल्स नहीं है, कहीं पे लाइट्स नहीं है, कहीं पे कनेक्शन नहीं है, ड्रेनेज प्रॉब्लम बहुत है, आउटलेट्स नहीं है ड्रेनेज के, मेन होल कवर्स नहीं है। तो हम यही इल्तिजा लेके यहाँ पे म्यूनसिपल कमिश्नर जलपल्ली के पास आए हुए थे। उन्होंने हमारे को एतमाद दिलाया कि विद इन 10 डेज जो है पानी की प्रॉब्लम जो है दूर हो जाएगी, क्योंकि पानी की सोर्सिंग कहीं से नहीं हो पा रही थी, प्रॉपर आउटलेट्स नहीं थे। अब इंशाल्लाह जो है जमात इस्लामी हिंद के सोलर लाइट्स डाल रहे हैं, उसकी वायरिंग भी बिछ रही है, इंशाल्लाह वो भी जल्दी हो जाएगा। कचरे की भी और गार्बेज वगैरह की और क्या कहते हैं ड्रेनेज की भी उन्होंने जिम्मेदारी लिए हैं कि हर चीज़ जो है आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी। लेकिन मेरी गुजारिश ये है,
मेरे भाइयों से बहनों से, जब तक इन लोगों का मसला हल नहीं होता, पानी का मसला है, क्योंकि पानी की वजह से हमारे कई मुसलमान भाई बहन जो है नमाज नहीं कर पा रहे हैं, मस्जिदों को नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि मस्जिदें भी जो हैं सूखी हैं, बिना पानी के हैं, और रोज़े नहीं रख पा रहे हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आप जो है किसी का रोज़ा खुलवाओ, तो उनसे एक सहाबी पूछे कि हमारी जो इतनी इस्तेआत नहीं है, हम कैसे रोज़ा खुलाएंगे, तो बोले आप एक खजूर से रोज़ा खुलवाइए, तो वही दर्जा होता है जो बाकी लवाजमात के साथ अगर रोज़ा खुलवाते हैं। लेकिन मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि आप ये सवाब कमाइए अपनी तरफ से, मैं आपसे पैसों की डिमांड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पैसों का मसला जब आता है तो काफ़ी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। आप डायरेक्टली पहाड़ी शरीफ, वादी मुस्तफ़ा, वादी सालेहीन और शाही नगर, बिस्मिल्लाह कॉलोनी, एराकुंटा, इन जगह अलजबरा कॉलोनी, इन सब जगहों पे आप टैंकर्स भिजाइए, आधा टैंकर, एक टैंकर, अपने इस्तेआत के मुताबिक आप इन लोगों की मदद कीजिए, आपको इसका अजर मिलेगा। जज़ाकअल्लाह। तेलंगाना हुकूमत ने आवाम को ताकीद की है कि अपने हिफाजती इंतजाम अपने साथ रखें, क्योंकि अगले 3 दिन तक धूप की शिद्दत में काफ़ी ज़्यादती हो सकती है। सिनेमा घरों की टिकट की कीमतों में इजाफे पर DYFI तंजीम की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस तंजीम के मेंबर्स ने मुतालबा किया है कि टिकटों की कीमत में इजाफे को कम किया जाए और आवाम पर रहम किया जाए। DYFI जानिब से हम लोग आज CB साहब को हम मिलने आए कि थिएटर का हर दाम बढ़ा गया सो है, हर थिएटर में दाम बढ़ा गया सो है, 50 से लेकर 70 रुपये तक, 80 रुपये तक बढ़ाया गया सो है। बोले तो ऑलरेडी 100 रुपीज़ के ऊपर है, अभी मिनिमम 200 से 250 तक थिएटर का टिकट्स बढ़ाने जा रहा है। इंसान को आज इंटरटेनमेंट एक ही चाहिए कि है सो फिल्म थिएटर्स, वो भी मिडिल क्लास लोगों को, आम आदमी को देखने का भी, वो भी आज लोग इन लोग जो किसको भी लिंक नहीं है, जैसा उनके मर्जी में है, जैसा डिस्ट्रीब्यूटर आज टिकट का दाम बढ़ा गया सो है। हम लोग DYFI जानिब से आज CP साहब को मिल के ये हम लोग का लेटर दिए कि उनके ऊपर एक्शन लेना बोल के और टिकट का दाम कंट्रोल में रखना बोल के हम लोग कमिश्नर साहब को आज मिल के लेटर दिए। आखिर में फिर एक बार सुर्खियाँ। टाइम मैगजीन के कवर पेज पर मोदी के खिलाफ लिखने पर BJP लीडर ने किया बरहमी का इजहार। कई दिन पहले हुए कत्ल के कातियों को साउथ जोन टास्क फोर्स ने निकाला ढूंढकर। और जहांगीर नगर इलाके में ट्रांसफार्मर के ब्लास्ट होने से लगी भयानक आग। हाईटेक उर्दू न्यूज में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, देखते रहिए हाईटेक TV।